हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, आप सभी का स्वागत हमारे नए दिन के नए ब्लॉग में। तो अभी देख सकते हो कितने बजे, शाम के 5:50 हो चुके हो और मैं अभी पीछे से उठा हूँ। आज तो बहुत गंदे वाला सीन हो गया। आज ये हुआ कि आज बिना सहरी का मैंने रोजा रखा है। एक्चुअली हुआ ये कि सुबह में जब मैं रात को वो जल्दी सो गया था, करीब 11:30 के आसपास सो गया था और मैंने सहरी में अलार्म रखा था। अम्मी ने भी रखा था, अब्बा ने भी रखा था, हम तीनों तीनों रखा था, लेकिन हम तीनों तीन की आँख खुली नहीं। और मैं जब उठा ना, जब 5 बजे थे, 5:10 बजे थे और 5:10 का ही सहरी का लास्ट डेट था। तो तब से मैंने 5:10 को उठा, मैं अचानक से मेरी आँख खुल गई। मैंने सोचा कि मैंने सहरी कर ली, फिर भी से मैं सो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं सहरी तो कर ली, लेकिन सहरी में खाया क्या? खाया तो कुछ नहीं, फिर भी से उठा। फिर मैं सपने में सोच रहा था, तो उठा फिर देखा तो जान भी हो गई थी, सब हो गया था। फिर मैंने डायरेक्ट एक खजूर लिया, खजूर खाया, नहीं फिर पानी का गिलास लिया, वो पानी का गिलास पी लिया, बस इतना रखे रोजा रख लिया। क्योंकि भाई टाइम ही नहीं, पूरा ख़त्म हो गया था, वो हिसाब से ज़्यादा कुछ खा भी सकता नहीं था। खबर तो नहीं पड़ती रोजे का, रोजा लगड़ लिया, लेकिन हाँ। और आज है 29वां रोजा, ठीक है, शायद चांद रात भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कहीं से भी चांद ला के कह सकते हो भाई कल की दे या फिर नहीं दे। कुछ हिंदुओं कह रहे थे कि आज उनका पूनम के ओनम ऐसा कुछ है, पता नहीं क्या है, कुछ है हिंदुओं का। तो वो हिसाब से आज होगा ही नहीं, जो है कल का 30वां रोजा है, मैं कल डेफिनेटली कल चांद रात होगी और परसों ईद ऐसा कहते, लेकिन देखना पड़ेगा, मगरिब में देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। देखते आज क्या क्या बनाया खाने में, आज तो खाली बहुत कम है। ये खालसे का सूप बने ले, ये पता नहीं क्या है, ये देखो से इधर हलीम चिकन का वो फालूदा, आज ये यही बनेगा और बॉम्बे भेल बनेगी। आज आज दो चीज बनेगी, बॉम्बे भेल नहीं है, है ना, बॉम्बे भेल बना लेते हैं। आज कुछ नहीं खा लिया, आज बॉम्बे भेल, तरबूज, मैं खाऊ से बस तीन ही चीजें। मैं ना हाँ क्या जब किसके लाखों। देखो मस्जिद की लाइट भी चली गई नहीं, इसका मतलब चांद नहीं हुआ। अगर चांद होता तो ये हर बार सिलक जाती है। तो ऑब्वियसली बात है, आज चांद होना ही नहीं था। सब लोग कह रहे हैं आज चांद होएगा, चांद होना ही नहीं है, क्योंकि आज क्योंकि पूरे 30 रोजे तो पूरे हो गए। तो कल चांद रात है तो परसों ईद। क्या हुआ, फिर से पकड़ा जाए हमारा मोहल्ले में घुस गया है, फिर से आया ये, अब कहाँ से आया? इसके सगा इसका भाई भाई का भैया, मैं क्या पाऊंगी तुझे, निकला कहाँ कहाँ से लेकर आई तू? ओ भाई मैं थोड़े लेकर आई बाजार में, आगे बेच के कम से कम 10 रुपए तो मिलेगी तेरे को। कल हो तो देखो, देखो कहाँ ले, मर्डर हो गया है, पुलिस को फोन करना पड़ेगा। मर्डर करा हमने, ये जो लेकर दे रहे तो अभी हम जा रहे बाहर, क्योंकि मेरे बूट लेने के, तो बूट ले आ रहे, फिर बेल्ट लेने का और फिर टोपी लेने का। टोपी अपन मेले में गया था, उस टाइम पर लिया था नहीं, तो वो हिसाब से अभी मैं जा रहा हूँ। तो बेल्ट भी ले रहे थे, टोपी भी ले रहे थे और बूट भी ले रहे थे, तीन चीज़ ले रहे थे, ठीक है। आज का लास्ट डे, कल चाना थे, कल से रमजान खत्म। ये देखो अभी अब्बा के कफनी पायजामा लेने आए, ले जो ईद के लिए करवाए थे, और इसके बाद अभी हम जाएंगे गुड लेने और बस फिर चले जाएंगे। वो देखो मस्जिद की, अभी गुड की शॉपिंग करने आ रहे, पहले देखिए कौन सा अच्छे हैं कौन से नहीं। ब्लैक लेना ने? देखो मेरे को वो वाले पसंद है, लेकिन उनको आना नहीं, कहते कि बहुत गिरदी होगा, तो अभी चले आते थे, घर नहीं आ रहा था, जगह देखने आ रहा था। ये देखो मैं आलू पूरी खाना लगी है, खा रही भूख लगी है भाई, आलू पूरी खाते नहीं तुम कभी हैं? तो ये रहे गाइस मेरे नए बूट जो मैं लेके आ चुका हूँ, और अब मैं करने जा रहा हूँ आज का व्लॉग एंड, क्योंकि बस हो चुका। अब जो है कल मैं विंडरफुल फिल्मोरा परचेज भी करूँगा, उसके बाद अपना व्लॉग भी शुरू हो जाएगा।
तो आज का व्लॉग बस इतना है। आप लोग अच्छा लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो और मिलते हैं नए दिन के नए व्लॉग। बाय बाय, सी यू सून।